हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, LIC ADO का जब रिजल्ट आउट हो चुका है तो बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं रिजल्ट को लेकर, कि प्री में जिनका रोल नंबर नहीं है, मेंस में उनका कैसे आ गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वो सारे जो इश्यूज़ आपको फेस हो रहे हैं वो वन बाई वन मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। मुझे कुछ लोगों के कमेंट आए कि सर प्लीज़ आप एक बार रिजल्ट चेक कर लीजिएगा, LIC सेंट्रल जोन में प्री रिजल्ट और मेंस रिजल्ट के रोल नंबर में बहुत ज़्यादा हेर फेर है। ओके, एक तो ये डाउट था, दूसरा क्या था कि रिजल्ट में गड़बड़ी है, तो इसके ऊपर आप कुछ कहिए और आप एक बार देख लो। फिर यहाँ पर उन्होंने कहा था सर रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जिनका रोल नंबर प्री के एग्ज़ाम के रिजल्ट में नहीं है उनका मेंस के एग्ज़ाम में कैसे हो गया। ठीक है, इनका ये कहना है, क्या कोई कंप्लेंट प्रोसेस है इस चीज़ को आगे फर्दर ले जाने के लिए? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि सही तरीका क्या है, आप लोग सही तरीके से रिजल्ट नहीं देख रहे हैं। देखो, मुझे एक PDF भी लोगों ने भेजी जिसमें उन्होंने कहा कि नॉर्थ सेंट्रल जोन, ओके, NCZ, इसका ये मेंस का रिजल्ट है बेसिकली। ठीक है, तो मेंस के रिजल्ट में यहाँ पर एक रोल नंबर है 1651001290, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ 1651001290। इन्होंने इतने सारे जो येल्लो डॉट बनाए हैं, ये इनका कहना है कि ये जो मेंस में रोल नंबर है ये कभी भी प्री में नहीं एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने इस चीज़ को वेरीफाई किया और प्री के रिजल्ट के लिए आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर आप क्या करें, नॉर्थ सेंट्रल जोन में जाएँ, और नॉर्थ सेंट्रल जोन में क्या है कि दो तरीके से रिजल्ट हो रहा है, एक NCZ कैटेगरी रिजल्ट है और दूसरा क्या है कि अनरिजर्व रिजल्ट है। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे अनरिजर्व वाले में तो आपको नहीं दिखाई देगा, ये कैटेगरी वाला पर्सन है, कैटेगरी बेस रिजल्ट है। NCZ कैटेगरी रिजल्ट में आप देखोगे तो मुझे तो मिला है 77 नंबर पर, ये रोल नंबर मिला, ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है, मेल, ठीक है, और विनीत गौतम इनका नाम है, जिन्होंने भी मुझे पूरी PDF भेजी। तो ये आपके जो अदर रोल नंबर्स हैं ये भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये जो है कैटेगरी, आप ओपन में चेक करोगे तो आपको वहाँ पर वेरीफाई करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि इन्होंने देखो अदर, ये अनरिजर्व कैटेगरी और SZ कैटेगरी रिजल्ट, ये दो तरीके से डिवाइड करा था प्री में। ठीक है, लेकिन इस बार जो सिंगल PDF आई है इसके स्टार्टिंग में इन्होंने मेंशन कर दिया कौन सी कैटेगरी का रिजल्ट है। थोड़ा स्क्रॉल करोगे उसके बाद इन्होंने अदर कैटेगरी का रिजल्ट भी दिखाया है। ओके, तो जैसे इन्होंने कहा कि सर PDF में UR और EWS, अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी का ही क्यों आ रहा है, ऐसा नहीं है। पूरी की पूरी PDF को अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा, ऊपर अनरिजर्व्ड और EWS का आ रहा है, उसके नीचे जो SC ST OBC इनका है। ओके, तो ये जो डाउट्स हैं इसके ऊपर ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैंने जैसे PDF मेंस की चेक करी तो देखो उसमें स्टार्टिंग में पे, अगर मैं बात करूँ एक सेपरेट जोन की, मैं बात करूँ NCZ, ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल जोनल ऑफिस, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके पेज नंबर 1 पे अगर आप देखोगे तो ऊपर के लिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कैटेगरी अनरिजर्व्ड एंड EWS, और यहाँ पर कुछ रोल नंबर दिखाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद पेज को डाउन करोगे और पेज नंबर 6 पर अगर आप आओगे तो पेज नंबर 6 पर देखो क्या दिया हुआ है। पेज नंबर 6 पर इन्होंने मेंशन करा है कि कैटेगरी SC ST OBC, ठीक है, तो जो कंबाइंड कैटेगरीज हैं वो सारी की सारी एक ही PDF में आपको दे दी गई हैं, केवल आपको स्क्रॉल डाउन करके वो चीज़ चेक कर दी है। ठीक है, ये 2-3 डाउट आपके क्लियर हो गए। अब कुछ लोगों का कहना था कि सर मैं SC कैटेगरी से हूँ बट रिजल्ट में मेरा रोल नंबर अनरिजर्व्ड एंड EWS कैटेगरी में शो हो रहा है, नॉर्मल नॉर्थ सेंट्रल जोन से है मेरा, तो मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, SC कैटेगरी में क्यों नहीं दिखा रहा है, प्लीज़ रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। ये शिवानी रावत का कमेंट था, मुझसे पहले इनको TMAN ने कमेंट किया, सही रिप्लाई है इनका। इन्होंने लिखा है कि आपकी कैटेगरी सलामत है, आप अनरिजर्व की लिस्ट में हैं क्योंकि आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, एनफ टू बी इन मेरिट लिस्ट, यू हैव अ अपर हैंड इन द इंटरव्यू एंड यू कैन ग्रेव अ सीट इन यूर, ओके, अदरवाइज यू विल ईजली गेट अ सीट इन SC कैटेगरी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है इनका कहना, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो उसका रिजल्ट सही है, गलत नहीं है। ओके, इसके बाद एक डाउट और आया, इनका कहना था महेश का कि सर मुंबई जोन में कुल 1750 लगभग वैकेंसी है और जो सिलेक्शन हुआ है वो केवल 1200 हुआ है, 1200 का। ठीक है, तो इन्होंने कहा इंटरव्यू में तो वैकेंसी के 5 गुना सेलेक्ट किए जाने वाले थे तो फिर ऐसा क्यों 1200 कैंडिडेट ही सेलेक्ट किए, प्लीज़ रिप्लाई। देखो, इसका कोई भी आप एक हार्ड एंड फास्ट मेथड नहीं बता सकते, क्या है कि कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने क्वालिफाई नहीं कर पाया होगा फिर वो उनको मेंस के कट ऑफ जोन में नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है,
1750 वैकेंसीज हैं, तो इन्होंने जो 1200 लिए हैं ऐसा इन्होंने और स्टेट के साथ भी हुआ है, ठीक है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ पर भी वैकेंसी के आसपास में ही लोगों को लिया गया है। ओके, तो ये कोई मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि रिजल्ट में इसका कोई लेना देना होगा, ठीक है। ये सीधी सी बात है, जो क्वालिफाई कर पाया उसको उन्होंने लिस्ट में शामिल किया है। ओके, अब ये वेंकट्स का भी मैसेज आया था, वेंकट्स का, कि आई ऑल्सो मुंबई जोन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, जो वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से इन्होंने कैंडिडेट्स को लिया है। ओके, जो एलिजिबल हैं, जो क्वालिफाई कर पाए हैं, उनको इन्होंने यहाँ पर अगले एग्जाम के लिए जो है इंटरव्यू के लिए प्रोसेस में रखा है। ओके, एक आया था कि सर ये प्री का रिजल्ट नॉर्थ सेंट्रल जोन में फैजाबाद का अलग से आया था। देखो, प्री का जब रिजल्ट आया था तो एनसीजेड में फैजाबाद का अलग था, बिल्कुल सही बात है। इस बार क्या है कि कंबाइन है, कानपुर में ही सबका दे दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया है, ठीक है। ऊपर लिखा है ना कि नॉर्थ सेंट्रल जोन ऑफिस कानपुर, ओके। तो इसमें मुझे लग रहा है कि सबके ही दे दिए गए, अलग अलग से तो नहीं है। ओके, तो ये चीज़ आप एक बार देख लो। प्रतीक सिंधे का आया है कि इन मध्य प्रदेश टोटल वैकेंसी SC ST OBC जो है ये 269 है, और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है ओपन एजेंट एम्प्लॉय ये कितने हैं, 279। तो 269 वैकेंसीज हैं, 279 लोगों को इन्होंने लिया है। तो 10 स्टूडेंट एक्स्ट्रा सेलेक्ट करके क्या दिखाना चाह रहे हैं ये LIC वाले, ये वही बात है मुंबई वाले सीन की। ओके, तो इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप वहाँ पर जरूर इनको जो है एक मेल कर सकते थे कि जिनका प्री में नहीं हुआ है उनका मेंस में कैसे आ गया, ठीक है। वहाँ पर रिजल्ट में गड़बड़ी हो सकती थी, मुझे लग रहा है रिजल्ट ठीक है। ओके, और जो वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से ही इन्होंने अपने जो है इन्होंने कैलकुलेशन की, उसके हिसाब से इन्होंने रिजल्ट को पब्लिश किया है। ओके, दूसरी चीज़ क्या है कि जो आपका एक मेन ये वाला डाउट था, चेक सही से करो आप, ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप लोग जब प्री के रिजल्ट को चेक कर रहे हो तो आप दोनों में चेक करो, अनरिजर्व कैटेगरी में भी और अदर कैटेगरीज में भी, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में एक बार फिर से, और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता जाए, और थोड़ा सा मौसम भी चेंज हुआ है। ओके, तो अपना भी ख्याल रखें, और मेरा थोड़ा हेल्थ अभी ठीक नहीं है तो इस वजह से थोड़ी वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो छोटी वीडियोस हैं उनको जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड कर पाएँ, और बड़ी वीडियोस के ऊपर भी काम करेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर आप सर्च करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी पहुँचाएँ ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।